एनबीसी न्यूज के doctor.com इस कार्यक्रम में मैं क्षितिजा देशमुख आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम आए हैं केयर हॉस्पिटल के डॉक्टर संदीप खारकर, जो रेमेटोलॉजिस्ट है। इनसे इनकी जो सर्जरी होती है या इनके रेमेटोलॉजिस्ट की ऑर्थराइटिस की जो सर्जरी होती है, ऑर्थराइटिस क्या है, इन सभी के बारे में आज हम उनसे जानेंगे, जो केयर हॉस्पिटल से है डॉक्टर संदीप खारकर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे doctor.com इस कार्यक्रम में। सर मेरा पहला आपको सवाल है कि ऑर्थराइटिस ये जो है ऑर्थराइटिस क्या है, सबसे पहले ये हमारे आप दर्शकों को बताइए। हाँ जी, तो जो आर्थराइटिस ये शब्द जो है, इसका अर्थ है, सादा सरल भाषा में अपन उसको गठिया बोल सकते या गठिया बात बोल सकते। सो ये जो बीमारी है ये जॉइंट्स रिलेटेड है। जहाँ पे दो बोन्स मिलते हैं उसका एक जॉइंट तैयार होता है, वो जॉइंट में इन्फ्लेमेशन यानी जख्म टाइप अंदर से होता है, जिसके कारण पेशेंट को असहनीय दर्द होता है, जिस दर्द के लिए पेशेंट चल भी नहीं सकता, पेशेंट को उठ भी नहीं सकता। और इस बीमारी में पेशेंट को डिफॉर्मिटीज़ भी आती है, यानी कि जॉइंट्स चिपक जाने के कारण जो चेंजेस इन द जॉइंट होता है तो डिफॉर्मिटीज़ भी आते हैं। सो सबसे अच्छी चीज़ है कि यदि इसका निदान अच्छे से होए और जल्दी से निदान होए और इसके ट्रीटमेंट यदि चालू करें तो इसका रोकथाम कर सकते हम। यदि ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस, इसके लिए काफ़ी टाइम लगता है और पेशेंट्स डिफॉर्मिटीज़ लेके आता है और पूरा जॉइंट्स ख़राब करके आता है, तो इसलिए इसमें रोकथाम करना बहुत ज़रूरी है। साथ में ये जो बीमारी है आर्थराइटिस, हमारा एक विजन रहता है कि आर्थराइटिस बोले या गठिया वाद बोले तो ये सिर्फ जॉइंट रिलेटेड रहता है, बट ऐसा नहीं है। हमारे 114 प्रकार के वात की बीमारियां रहती है, जिसमें आँख से लेकर ब्रेन से लेकर किडनी, हार्ट, लीवर, इसको भी अफेक्ट करता है। सो ये छोटी बीमारी नहीं है, ये पूरे शरीर की बीमारी है, जिसमें खून में थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, जिसके कारण अपने जॉइंट्स भी खराब होते हैं, साथ में लीवर, किडनी, हार्ट, लंग्स ये भी खराब होते हैं। सो इसका रोकथाम करना बहुत ज़रूरी है। इंडिया में अप्रोक्सीमेट 40 से 50 मिलियन केसेस है आज की तारीख में जो आर्थराइटिस है, उसमें से सिर्फ 10 या 12 टक्का ही जिसका डायग्नोसिस होता है उसका ट्रीटमेंट चलता है, बाकी के पेशेंट्स का इवन ट्रीटमेंट तक के भी नहीं होता है। सो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इसका निदान ज़रूरी है। तो आप जब भी पेशेंट को जो लक्षण आते हैं आर्थराइटिस के, इसमें डॉक्टर की राय लेना बहुत ज़रूरी है, और जितने जल्दी राय लेते हैं उतना अपना जॉइंट बचता है और शरीर भी बचता है। बिल्कुल, आपने जैसे आप भी बताया कि डायग्नोस होना मतलब बहुत ज़रूरी है, तभी हम इसका इलाज कर सकते हैं। तो इसके लक्षण क्या है, सिम्पटम्स क्या होते हैं? सो बेसिकली लक्षण, सबसे मेजर लक्षण रहता है जॉइंट पेन। सो हम देखते हैं 35 साल से, 40 साल से, या इवन छोटे बच्चों का भी जॉइंट पेन रहता है, तो हम पेन किलर्स लेते हैं, बट ये जॉइंट पेन्स इसमें साथ में और ये रहता है, जैसे कि सूजन आना, जॉइंट जहाँ जहाँ पेन होता है अलग अलग जॉइंट्स में वहाँ पे सूजन आता है, जिसमें जिसके कारण उसकी मोबिलिटी रिस्ट्रिक्ट होती है, यानी हाथ पैर का जकड़न ज़्यादा रहता है। बेसिक लक्षण है जब कभी जॉइंट पेन रहता है, अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस जिस चीज़ को बोलते हैं, हम सुबह उठे उठे पेशेंट को जकड़न रहता है, उठने में तकलीफ होती है, हाथ पैरों में काम करने में तकलीफ होती है, ये स्पेसिफिकली रूमेटॉइड आर्थराइटिस रिलेटेड आर्थराइटिस का लक्षण है। साथ में जैसे मैंने बताया कि आपको आर्थराइटिस ये बाकी शरीर को भी अफेक्ट करता है, तो हार्ट का प्रॉब्लम, लंग्स का प्रॉब्लम, आँखों का प्रॉब्लम, मुँह में छाले आना, किडनी, अतड़ियों में प्रॉब्लम आना, ये भी साथ में उसके साथ रहता है। इन जॉइंट्स जैसी स्वेलिंग रहता है वैसे उसमें टेम्परेचर बढ़ता है, तो हाथ लगाने के बाद उसका टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, लालपना रहता है और रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट। सो मेजर जॉइंट रिलेटेड जो कंप्लेंट्स है ये अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस यानी सुबह जकड़न रहना, जॉइंट में स्वेलिंग आना, जॉइंट में पेन रहना, जॉइंट का लालपना आना और रिस्ट्रिक्शन रहना, साथ में बाकी अवयव का भी अपना लक्षण रहते हैं। बिल्कुल, ये बताइए डॉक्टर कि ये जो ऑर्थोराइटिस होता है ये होता क्यों है और इस पर उपचार किस तरह किया जाता है? देखिए, जैसे मैंने बताया आपको 114 प्रकार के हमारे जो ऑर्थोराइटिस रहते हैं, तो ये वो ऑर्थोराइटिस कुछ रहते हैं जिसमें खून का दोष रहता है, जिसमें कोई एंजाइम का दोष रहता है, और तीसरा रहता है जैसे कि मोटापे में जो दिखता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। सो जो खून का दोष रहता है उसको हम इम्यूनोलॉजिकल आर्थराइटिस बोलते हैं, तो जिसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस, SLE, जोग्रंस, ये अलग अलग प्रकार के रहते हैं। जो एंजाइम की जो रहता है जिसमें अपना कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म या यूरिक एसिड का मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम्स आता है, सो ये जैसे गाउट रहते हैं, गाउटी आर्थराइटिस रहते हैं, ये कुछ एंजाइम्स के कारण होता है। और तीसरा रहता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसमें अपना वजन ज़्यादा रहता है या ओल्ड एज के कारण होता है, जहाँ पे जॉइंट्स घिस जाते हैं, उसमें डैमेजेस हो जाता है बिकॉज ऑफ ओल्ड एज,
बिकॉज ऑफ वेट, सो उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस रहता है। सो हर आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट भी अलग जाती है, उसका निदान करना बहुत जरूरी रहता है, और उसके कारण उसका उपचार में पद्धति में बदल आ जाता है। बिल्कुल, क्या ऑर्थराइटिस में जोखिम, किस तरह की जोखिम हाँ, तो जो अपन ने आती पहले जो बताया जिस तरीके से कि जॉइंट में रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं, जॉइंट में डिफॉर्मिटीज आ जाते हैं, जॉइंट चिपक जाता है एकमेक से, तो उसके कारण जो पेन पकड़ना बोलो या चलना बोलो या पीठ की रीढ़ का यदि जॉइंट चिपक जाए तो झुक जाता है आदमी, सो उसका चलना फिरना बंद हो जाता है, ये जॉइंट रिलेटेड रिस्क है। बट बाकी रिलेटेड रिस्क जैसे कि आँख में अंधत्व आ जाना, यूवियाइटिस जैसी रहता है, रिस्क? कॉर्नियल ओपेसिटीज आ जाता है ड्राइनेस के कारण, तो उसमें आँख का अंधत्व आ जाता है, मुंह में रिपीटेड छाले आने के कारण दांत खराब होना, मुंह के पास आना, हार्ट का प्रॉब्लम आना जैसे कि एंकलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस में हार्ट में गति का प्रॉब्लम आ जाता है, उसका उसमें पेसमेकर्स डालना पड़ता है, या फिर हार्ट के आजू बाजू पानी जमना, हार्ट की मसल कमजोर हो जाना, लंग्स खराब होना जैसे कि अस्थमा जैसी टाइप रहता है, इसमें इंटरस्टिशियल न्यूमोनाइटिस होता है जिसमें लंग्स पूरे खराब हो जाते हैं और पेशेंट को बायपैप और सीपैप तक के जाना पड़ता है, लीवर खराब हो जाना, लीवर में जहाँ पे भी खराबी आ जाती है वहाँ पे फिर अपचन और बाकी की चीज़ें। सो मेजर थिंग है जैसे कि SLE वगैरह यंग लेडीज में होता है जिनका जस्ट 24-25 चालू होता है, उसमें प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी, एबॉर्शंस, बहुत सी चीज़ें रहती है, ये शरीर में हर जगह पे एक्शंस करता है, तो इसका ये रिस्क फैक्टर्स है कि अपन एक स्पेसिफिक बोल नहीं सकते लेकिन रिस्क फैक्टर पूरे शरीर में अफेक्ट करने लायक रहता है। बिल्कुल, ऑर्थराइटिस में जॉइंट रिप्लेसमेंट करना जरूरी होता है? हर जॉइंट का अपन रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते, जैसे कि स्मॉल जॉइंट्स रहते हैं, हाथ के जॉइंट्स रहते हैं, पैरों के फिंगर्स के जॉइंट्स रहते हैं, स्पाइन का रहता है, हाँ, बट जैसे कि ऑस्टियो आर्थराइटिस जो रहता है इसमें नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट ये चांसेस ज़्यादा आते हैं, जिसमें वजन ज़्यादा रहता है जिसके कारण अपना जॉइंट्स ज़्यादा खराब होते हैं, तो बड़े जॉइंट्स का रिप्लेसमेंट आ सकता है जिसको जनरली डिजेनरेटिव चेंजेस यानी ओल्ड एज के कारण जो होते हैं उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस रहता है, और ऑस्टियोआर्थराइटिस में रिप्लेसमेंट्स के ज़्यादा यानी बेसिक ट्रीटमेंट भी रिप्लेसमेंट रह सकती है उसमें, बाकी जो प्रकार के जो जॉइंट आर्थराइटिस है उसमें नहीं रहता है। आपने अभी इतने आर्थराइटिस के जो हमें टाइप्स बताए हैं, तो इन मरीजों को किस तरह से डाइट अपना फॉलो करना चाहिए, किस तरह का डाइट लेना चाहिए, हाँ क्या जी, बताओगे? डाइट सब बेसिक ट्रीटमेंट में सबसे पहला चीज़ आता है डाइट, डाइट सबसे ज़रूरी चीज़ है। जैसे अपन ने बात की रूमेटॉइड आर्थराइटिस या इम्यूनोलॉजिकल आर्थराइटिस, इसमें जो रेड मीट रहता है जिसके इम्यूनोजेनिसिटी ज़्यादा रहती है तो वो नहीं लेना चाहिए, कहीं कहीं बताया जाता है कि ठंडा खट्टा चीज़ों से अपना पेन बढ़ता है, तो वो चीज़ों से यदि तकलीफ होती है एज पर पथ्य ऐसे नहीं रहता, बट यदि उस चीज़ से तकलीफ होती है तो नहीं करना चाहिए वो, या वो नहीं सेवन करना चाहिए। रेस्ट ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसमें मोटापे के कारण या डैमेजेस होते हैं तो उसमें अपने को फैट जिसमें चर्बी कम करने वाले पदार्थ रहते हैं वो लेना चाहिए, वजन कम करने लायक डाइट लेना चाहिए, जिसको डायबिटीज़ रहते उसने मीठा नहीं लेना चाहिए, तो उसके कारण भी जो आर्थराइटिस होता है डायबिटीज इंग्लिस्ट उसमें भी बचाव कर सकते हैं, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स रहते हैं, दाल रहते हैं, ये गाउट आर्थराइटिस में यूरिक एसिड बढ़ता है जिसके कारण ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से वो बढ़ता है, गाउट नॉनवेज खाने से भी गाउट बढ़ता है, अल्कोहल कंजम्पशन से गाउट और आर्थराइटिस बढ़ता है, स्मोकिंग टोबैको से गाउट और बाकी के आर्थराइटिस बढ़ते हैं। सो ये चीज़ें जो पदार्थ तो जो रहते हैं हैबिट फॉर्मिंग जो टोबैको बोलो, अल्कोहल बोलो, स्मोकिंग बोलो, इससे दूर रहना चाहिए, और खाने में पानी ज़्यादा, सादा साफ सुथरा खाना, नॉनवेज कम से कम और चर्बी युक्त कम, सो इससे अपना वजन भी कम होगा और आर्थराइटिस का प्रमाण भी कम होगा। डॉक्टर, एक सवाल ऐसा है कि जो ऑर्थराइटिस के मरीज होते हैं उनमें कई बार ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि ज़्यादा हमने एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, ये योगा किया तो मतलब जॉइंट का पेन है तो और भी बढ़ सकता है, तो क्या बताना चाहोगे ऐसे मरीजों को हाँ आप? जी, तो बेसिकली कैसे है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस इसमें जनरली डैमेज होता है, डिजेनरेशन होता है घिसाई के कारण जॉइंट्स में, मोटापे के कारण नी जॉइंट्स, हिप जॉइंट्स इस पे अफेक्शन होता है, और इनका बेसिक ये रहता है कि हम 5 किलोमीटर वॉक करते, 10 किलोमीटर वॉक करते, इन्होंने थोड़ा काम वॉक जो रहता है ये कम करना चाहिए जिसके कारण घिसाई कम हो और अपने जॉइंट्स बनते रहे। बचा है रूमेटॉइड आर्थराइटिस और बाकी आर्थराइटिस में, इसमें जहाँ तक के स्वेलिंग जैसी कम होना चालू होता है उसमें फिजियोथेरेपी, योगा और वॉक्स ये अपन करना चाहिए जिससे अपने जॉइंट रिलैक्स होते हैं और फ्री होते हैं। सो इससे एक्सरसाइज करने से ये जॉइंट्स का दवाइयों के साथ और जॉइंट्स का रिस्ट्रिक्शंस ये काफ़ी कम हो जाते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है,
सो योगा करना बहुत बेहतर चीज़ है, साथ के साथ अपना जो मॉर्निंग वॉक बोलो, साइकिलिंग बोलो, स्विमिंग बोलो, ये चीज़ें जॉइंट्स के लिए काफ़ी अच्छे रहते हैं। सो हम ये भी सुबह उठे बरबर यदि जॉइंट टाइटनेस रहता है तो थोड़ा सा योगा, सूर्य नमस्कार करेंगे तो जॉइंट्स फ्री होना चालू हो जाता है और उसका रिलीफ अपने को उपचार में भी दिख जाता है। बिल्कुल, क्या मरीजों को आप संदेश देना चाहोगे ऑर्थराइटिस के मरीजों को? आर्थराइटिस के मरीजों को सबसे बड़ा संदेश, सबसे पहला संदेश है जहाँ पे भी आपको जॉइंट पेन्स रहता है जिसमें कहीं इंजरीज नहीं रहती और जॉइंट पेन रहता है, दूसरी चीज़ सुबह के वक्त जकड़न रहता है, तीसरी चीज़ जॉइंट में स्वेलिंग और गठिया टाइप गठाने आ जाती है, इन्होंने सबसे पहले डॉक्टर से पास जाना चाहिए और निदान करवाना चाहिए कौन से प्रकार का आर्थराइटिस है, किस प्रकार का आर्थराइटिस है और जिस जो भी प्रकार का आर्थराइटिस है उसके हिसाब से उसका उपचार करना चाहिए, ना कि एक ही ट्रीटमेंट सबके लिए पेन किलर्स या फिर स्टीरॉयड्स, यही ट्रीटमेंट नहीं है, इसमें काफ़ी ट्रीटमेंट है और काफ़ी अच्छे साइंटिफिक स्टडीज़ हो चुके हैं जिसमें आपका आर्थराइटिस काफ़ी प्रमाण में कम कर सकते हैं और लाइफ नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा संदेश और बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर जो है संदीप खारकर इन्होंने हमें दी है, केयर हॉस्पिटल से है ये। और कई बार इनके पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते होंगे जिनको अभी तक इन्होंने ठीक किया है, और उसी अनुभव के तौर पर उन्होंने इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों से साझा की है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। आज के कार्यक्रम में वक्त हो चला है यही रुकने का। देखते रहिए doctor.com, और भी डॉक्टर के साथ हम आपको मिलवाएंगे और अच्छी अच्छी जानकारी आपसे साझा करेंगे। नमस्ते। थैंक यू।